कैविटीज नहीं है। पैटी केक, पैटी केक, बेकर स्ट्रीट, बेकर स्ट्रीट। एप्पल, तुम्हारा गाल क्यों सूजा है? कैविटी के वजह से मेरा दांत निकला है। वैसे ये कैविटी क्या होती है? कैविटी तब होती है जब तुम्हारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। मैं पहले भी डेंटिस्ट के पास जा चुका हूँ। उनके पास एक बड़ा सा क्लैंप और इलेक्ट्रिक ड्रिल होता है। वो बहुत 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 डरावना होता है। वो उसे पेशेंट के मुँह में घुमाते हैं। बहुत बहादुर हो एप्पल। कॉटन कैंडी, तुम भी अपने दांतों का ख्याल रखो। तुम तो बहुत अच्छी हो। नहीं, मुझे भी अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए। कॉटन कैंडी, मैं तुम्हारे फेवरेट टेस्टी फ्रूट कैंडी लाया हूँ। तुम खुश तो हो ना? कैंडीज कम खानी चाहिए, नहीं तो कैविटी होती है। ब्रश ना करना। अगर तुम खाने के बाद रोज दांत साफ नहीं करते तो तुम्हारे दांत खराब होते हैं। चलो डिनर से पहले एक मीठा सेब खाओ, सेहत के लिए अच्छा है। तुम बड़ी हो गई हो, अपने दांतों का ख्याल रखा करो। लो खाओ इसे, मीठा सेब बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, सेब मीठे होते हैं। तो फिर अपने फेवरेट रिब्स ट्राई करो। रिब्स भी अच्छे हैं। नहीं, ये हार्ड होते हैं, इससे दांत में दर्द होगा। कॉटन कैंडी, जल्दी बाहर आओ, मुझे भी बाथरूम यूज करना है। तुम्हें क्या हो गया? वो काफी देर से अंदर है और मेरा पेट खराब हो गया है। मैं जाके देखती हूँ वो क्या कर रही है। अरे ये क्या, तुम इतनी देर से ब्रश कर रही हो? बेटा, तुम्हें इतना देर तक ब्रश नहीं करना चाहिए, समझी? ज्यादा ब्रश करने से दांतों को नुकसान होता है। क्या हो गया तुम्हें कैंडी? तुम्हारे दांतों में दर्द है क्या? मम्मी, मेरा एक दांत हिल रहा है। मुझे कैविटी है पर मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहती। सुना है वो जगह खतरनाक है। क्या कहा, कैविटी हो गई? जरा अपना मुंह तो खोलो। सुनो बुद्धू लड़की, तुम्हें कैविटीज नहीं है। दांत हिलने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कैविटीज हैं। ज्यादा से ज्यादा दूध पियो और कैल्शियम वाला खाना खाओ। ठीक है, मैं समझ गई। मम्मी सही थी, अब मेरे दांत स्ट्रांग हो गए। मुझे और दूध पीना चाहिए। कैविटी थोड़ी ना है, अब तुम्हारा दांत टूट गया है तो नया दांत आएगा। नया दांत? हाँ, सारे बच्चों के नए दांत आते हैं जब वो बड़े होते हैं, मतलब तुम बड़ी हो रही हो। ये तो अच्छा है मम्मी, इसका मतलब मुझे कैविटीज नहीं है। नहीं, तुम्हें कैविटीज नहीं है कैंडी। हाँ मम्मी, अब मुझे रिब्स, आइसक्रीम, सब कुछ खाना है, मेरे दांत का कुछ नहीं हुआ है। बुद्धू लड़की, तुम तब तक खाना चाहोगी जब तक कि तुम्हें कैविटीज ना हो जाए। हाँ Thank you.
बड़े छोटे होने का एहसास। सम्मान वो है जो सभी छोटे बच्चों को सीखना चाहिए। पिछली बार के मुकाबले तुमने तो काफी सारा याद कर लिया है। बिल्कुल, हमारी बेटी अमेजिंग है। डैडी, आपने पूरा सुनने से पहले ही मुझे क्यों रोक दिया, बताइए। सिर्फ इतना ही याद रखना काफी नहीं है, क्या तुम्हें पूरा लेसन याद है बेटा? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। अच्छा है, चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। चलो तुम मुझे उस पार्ट के बारे में बताओ जो तुमने कॉन्गरोंग के बारे में सुनाया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो उस कहानी के बारे में, क्या वो तुम्हें याद है? बिल्कुल डैडी, हैन डायनेस्टी में कॉन्गरोंग नाम का एक बच्चा था। जब वो 4 साल का था तो अपने बड़े भाई को नाशपति देता था। अपने बड़े भाई के लिए प्यार और सम्मान ये एक ऐसी चीज है जिसे हर किसी बच्चे को सीखना चाहिए। बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो गई हो कॉटन कैंडी। तुम्हें बड़ों की बातों का पालन करना चाहिए कैंडी। चलो सेब को बांटो बेटा। अभी बांटती हूँ मम्मी, बड़ा वाला सेब आपके लिए। शुक्रिया। आपके लिए लाल वाला सेब। थैंक यू बेटा। मैं छोटा वाला लूंगी। क्यों, बताओ? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। तुम तो बहुत समझदार हो। ये लो बच्चों, ड्यूरियन नेपोलियन केक। आपने छोटे बड़े स्लाइसेस दे दिए। I'm sorry बेटा, मैंने बड़े छोटे स्लाइसेस काट दिए। सुनो बेटा, तुम होस्ट हो ना, तो तुम ही डिवाइड करो। ये बड़ा है और ये छोटा है, इसे कैसे बांटूं? मेरा पेट बड़ा है तो मुझे बड़ा स्लाइस मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं। बताओ क्यों नहीं? तुम्हें पता नहीं, बड़ा स्लाइस बड़े लोगों को ही देना चाहिए। सही कहा, जो भी बड़ा होगा उसे बड़ा स्लाइस मिलेगा। ऐसा है तो फिर ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा कौन है? मैं सबसे बड़ा हूँ। ठीक है बिग हेड, ये तुम्हारे लिए। क्या, ये मेरे लिए है? तुम्हारा शुक्रिया। सबसे छोटा कौन है? मुझे पढ़ते हुए नींद आ रही है। चेस भी बोरिंग लग रहा है। क्योंकि तुम हार रहे हो। क्यों ना हम सब साथ में खेलें? चलो पजल खेलते हैं। साथ मिलकर खेलने वाला आइडिया अच्छा है। मैं ब्लॉक्स खेलूंगी। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। हमें किसी एक की तो बात माननी होगी। सबसे बड़ा डिसाइड करेगा। तो मैंने डिसाइड किया है फुटबॉल खेलेंगे। तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है। सुनिए ना मम्मी, मुझे सबसे छोटा होना बुरा लग रहा है। हाँ, क्योंकि तुम्हें केक का सबसे बड़ा स्लाइस देना पड़ा इसलिए। बात ये नहीं है मम्मी, हमें बड़ों की बात क्यों माननी चाहिए? बिग हेड बड़ा है लेकिन उसे भी मेरी बात सुननी चाहिए। कॉटन कैंडी, तुमने अपना केक और अपना गेम आइडिया इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम छोटी हो, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम होस्ट हो। इसलिए एक होस्ट होने के नाते तुम्हें अपने मेहमानों की सुननी चाहिए। मैंने सही कहा ना? दोस्तों मैं आ गई। कॉटन कैंडी, आओ और हमारे साथ खेलो। इसे पकड़ो। अब हम क्या करें? ये सारी मेरी गलती है। चिंता मत करो कॉटन कैंडी, वो बहुत ही अच्छा हेडशॉट था, बस वो गलत डायरेक्शन में गया। ओह, क्या हुआ बच्चों, किसी को लगी तो नहीं? नहीं, ये मेरी वजह से। आंटी, मेरे गलत शॉट की वजह से विंडो टूट गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। I'm sorry आंटी। मुझे पता है, मैं खुश हूँ कि तुम में से किसी को चोट नहीं लगी। मैं जाकर बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठा लेती हूँ। रुकिए मम्मी। हा? वो मैं थी जिसने गलती से कांच तोड़ा। बिग हेड ने नहीं तोड़ा। तुमने मेरे लिए खुद पर ब्लेम क्यों लिया? क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैंने ही सबको फुटबॉल खेलने को बोला था। तुम मुझे हर गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया, तुम सब बहुत ही अच्छे बच्चे हो। अब अंदर जाओ और फ्रूट्स खाओ। तुम सबसे बड़ा वाला ले सकते हो। नहीं, तुम सबसे छोटी हो, ये तुम्हें मिलना चाहिए। नहीं, हा? मुझे अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं, मुझे अपने से छोटी की केयर करनी चाहिए। ठीक है, शांत हो जाओ। कैसा रहेगा अगर मैं फ्रूट्स काटूं और तुम सब साथ मिलकर खाओ तो? हा?